तो हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन फॉर साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन के बारे में। ठीक है, तो पहला हमारा जो रिएक्शन है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा जी। ठीक है, और यहाँ पे आप पहला देख सकते हो कि हमने यहाँ लिखा है कि साइक्लोप्रोपेन या साइक्लोब्यूटेन दोनों को जब हम Cl2 के साथ रिएक्शन करवा दें यूवी लाइट की प्रेजेंस में, तो क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन एंड क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन बनता है। ठीक है, आप ये जो प्रोसीजर है वो अलग अलग भी लिख सकते हो साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन के लिए। ठीक है, मैंने एक ही में लिख दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारा पहला है साइक्लोप्रोपेन, जिसको हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे यूवी लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा, यहाँ पे देखिए एक H रिप्लेस होके यहाँ से एक Cl2 ले लेगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और H एक Cl ले जाएगा जहाँ HCl बनेगा। ठीक है, अब देख सकते हो इस तरीके से यहाँ CH के पास आके Cl अटैच हो जाता है, हमारा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से सेम रिएक्शन होगा साइक्लोब्यूटेन के लिए। ठीक है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे जाके Cl अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन में से हमारा ये बन जाएगा क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ Br2। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जब ब्रोमीन का रिएक्शन, ब्रोमीन को एडिशन मतलब यहाँ पे एडिशन होगा। ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन होगा जो निकल रहा था। अब हमारा रिएक्शन कौन सा है भाई, के एडिशन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन था तो निकल रहा था, एडिशन मतलब ऐड होगा। तो यहाँ पे जब ब्रोमीन को हम ऐड करते हैं साइक्लोप्रोपेन में, ठीक है, तो यहाँ पे रिंग ओपन हो जाती है और 1,3-dibromoprop का फॉर्मेशन होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है जिसका हम Br2 के साथ रिएक्शन करवाते ऐड करते हैं एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे Br2 ऐड होगा। देखो फर्स्ट पोजीशन एंड रिंग ओपन हो जाती है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन पे Br2 ग्रुप अटैच हो जाता है और साइक्लोप्रोपेन में से हमारा 1,3-dibromoprop बन जाता है। ठीक है, सेम रिएक्शन आएगा हमारा साइक्लोब्यूटेन के लिए। ठीक है, यहाँ पे भी रिंग ओपन हो जाएगी और 1,3-dibromoprop बन गया, वो प्रोपेन था और यहाँ ब्यूटेन, इतना ही फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ HBr और HI। ठीक है, तो पहले हम साइक्लोप्रोपेन देख लेते हैं, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन देखेंगे। तो साइक्लोप्रोपेन में जब हम HBr ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी रिंग ओपन हो जाती है और 1-bromoprop का फॉर्मेशन होता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, रिंग ओपन हो जाएगी ये साइक्लोप्रोपेन की जब HBr हम ऐड करेंगे तो, और यहाँ पे हमारा Br अटैच हो जाएगा और जो बनेगा उसे हम बोलेंगे 1-bromoprop। ठीक है, और जब हम HI के साथ रिएक्शन करवाते वहाँ भी रिंग ओपन हो जाती है और 1-iodopropane बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ रिंग ओपन हो जाती है तो हमारा ये CH3 एक H भी ऐड होगा। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन पे जाके H अटैच हो जाता है तो CH3 CH2 CH2 और I। ठीक है, तो ये 1-iodopropane एडिशन मतलब सब कुछ ऐड होगा। अब ब्यूटेन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सेम रिएक्शन साइक्लोप्रोपेन जैसा, सिर्फ यहाँ पे प्रोपेन की जगह ब्यूटेन लिखना है आपको। ठीक है, तो HBr जब हम साइक्लोब्यूटेन में ऐड करते हैं तो 1-bromoprop बनता है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, पहले कार्बन जो है उसके पास एक H ऐड हो जाएगा तो CH3 आ जाएगा, उसके बाद CH2 और लास्ट में भी CH2 और वहाँ हमारा जाएगा Br, तो ये बनेगा हमारा 1-bromoprop। ठीक है, उसके बाद हमारा सेम HI जब ऐड करेंगे हम साइक्लोब्यूटेन में तो 1-iodobutane बनेगा। ठीक है, सेम रिएक्शन जैसा हमने प्रोपेन में देखा। नेक्स्ट है हमारा एडिशन ऑफ H2। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि साइक्लोप्रोपेन या तो साइक्लोब्यूटेन में हम जब H2 ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अल्केन का फॉर्मेशन होता है। जब साइक्लोप्रोपेन में हम H2 ऐड करते हैं तो प्रोपेन बनता है, और साइक्लोब्यूटेन में जब हम रिंग ओपन हो जाती है, ठीक है, और जब H2 ऐड करते हैं तो क्या होता है, दो जगह पे पहले कार्बन और लास्ट कार्बन पे आपको H ऐड करना है। ठीक है, तो ब्यूटेन बन जाता है। ठीक है, ये जो रिएक्शन होते हैं, मतलब आगे वाला जो रिएक्शन HBr और HI वाला और ये H2 वाला एडिशन रिएक्शन, ठीक है, वो हायर अल्केन से रिएक्शन नहीं दे पाते, लाइक साइक्लोहेक्सेन साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे जो रिएक्शन थे वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, आप खुद एक बार देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।